बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे विल स्टार्ट 25th लेक्चर ऑफ वायरलेस नेटवर्क कोर्स। इन टुडेज लेक्चर वी विल रिव्यू ऑल द प्रीवियस लेक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू 24th लेक्चर। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल नॉट डिस्कस एनी न्यू टॉपिक टुडे। इन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिव्यू द प्रीवियस लेक्चर्स। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट CDMA 2000 सिस्टम। सो बेसिकली CDMA 2000 सिस्टम जो है वो IS-95A और B का जो अपग्रेडेशन पाथ था फॉर 3G सिस्टम, उसके लिए जो है वो CDMA 2000 जो है वो प्रपोज किया गया। जिस तरह के वाइड बैंड CDMA सिस्टम है वो एक अपग्रेडेशन है GSM GPRS की फॉर 3G सिस्टम, जबकि जो CDMA 2000 है वो अपग्रेडेशन है वो IS-95 या CDMA सिस्टम की। सो CDMA 2000 सिस्टम बेसिकली जो है इसमें ये मोर कंपेटिबल है विद IS-95 और ये बेसिकली सीमलेस अपग्रेडेशन है एज कम्पेयर टू द अपग्रेडेशन फ्रॉम GSM टू वाइड बैंड CDMA। इसकी वजह यह है कि जो जो IS-95 में जो हम चैनल बैंड यूज़ करते हैं 1.25 MHz, वो हम एज इट इज इसमें यूज़ करते हैं, और इसके बैंड इंक्रीज करने के लिए जो हम लेट्स अगर हम 3 times इंक्रीज करते हैं तो हम उसके लिए जो है वो 3 channels adjacent channels या समटाइम 3 parallel channels भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम 3 channel यूज़ करते हैं तो इसकी बैंडविड्थ जो है 3.75 MHz बन जाती है, जबकि वाइड बैंड CDMA सिस्टम में जो है वो 5 MHz थी। ये टोटली डिफरेंट चैनल एलोकेशन थी जो कि 200 kHz थी GSM सिस्टम में या GPRS सिस्टम में। तो इस तरह से ये जो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट जो है वो अपग्रेड है, जिसमें कि एग्जिस्टिंग चैनल्स को भी हम सपोर्ट करते हैं, और उसके अलावा बैंडविड्थ को इंक्रीज करने के लिए जो मल्टीपल चैनल्स को यूज़ करके उसकी बैंडविड्थ जो इंक्रीज कर लेते हैं। तो इस तरह से जो CDMA 2000 सिस्टम है बेसिकली वो उसमें कहा कि स्प्रेडिंग रेट 1 या स्प्रेडिंग रेट 3 दोनों जो है इसमें सपोर्टेड है। स्प्रेडिंग रेट 1 बेसिकली जो है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए, जबकि स्प्रेडिंग रेट 3 जो है वो एक सीमलेस अपग्रेडेशन है जिसमें कि हम 3 जो है वो एडजेसेंट चैनल यूज करते हैं। तो इस तरह से जो है डाटा रेट जो है वो इनहांस इसमें किया गया। अब इसमें जो फिजिकल लेयर्स पे जो डिफरेंट चेंजेस किए गए CDMA 2000 में, वो एक थी लिंक अडॉप्टेशन एंड इंक्रीमेंटल रिडंडेंसी थी, फिर उसके बाद डिफरेंट जो है वो AR हाइब्रिड ARQ प्रोटोकॉल यूज़ किए गए, फिर फास्ट पावर कंट्रोल इसमें यूज़ किए गए जिसमें कि बेस स्टेशन जो है वो पावर कंट्रोल कमांड सेंड करता है टूवर्ड्स द मोबाइल डिवाइस, और मोबाइल डिवाइस जो अपनी पावर जो है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो चेंज करता है। तो इसमें जी फास्ट पावर कंट्रोल कहते हैं, फास्ट पावर कंट्रोल इसलिए कहते हैं कि इसमें हम जो 1 second में 800 times जो है वो पावर कंट्रोल कमांड बेस स्टेशन जो है वो सेंड कर सकते हैं मोबाइल डिवाइस को। तो इस तरह से जो हम जो है वो जैसे जैसे मोबाइल डिवाइस मूव होता है तो उसके मूवमेंट के हिसाब से जो डिफरेंट जो है वो पावर जो अपनी अकॉर्डिंगली पावर एडजस्ट करता है। तो इस तरह से जो है डिफरेंट जो है चेंजेस के बाद जो है हम CDMA 2000 में जो है उसकी डाटा रेट्स को बेसिकली इनहांस किया गया। और इसके बाद जो है इसमें जो रिवर्स फिजिकल चैनल्स थे उनको हमने डिस्कस किया कि रिवर्स फिजिकल चैनल जो है वो हर चैनल के क्या जो है फंक्शन हैं। फिर जो फिजिकल लेयर में जो हमने जो चेंजेस किए कि CDMA 2000 में बेसिकली जो फिजिकल लेयर थी उसमें जो इन्हांसमेंट की गई थी उनको हमने जो है वो डिस्कस किया। उसमें हमने ये कहा कि चूंकि ये अडॉप्टिव कोड्स यूज़ करते हैं, जैसे अडॉप्टिव स्प्रेडिंग कोड है या आपके मॉड्यूलेशन अडॉप्टिव है, तो इन डिफरेंट जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हम एक रेडियो कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर हम कंसिडर करते हैं, एक रेडियो कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल डिफाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से CDMA 2000 में 1 to 9 जो रेडियो कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल्स डिफाइन की गई, और हर रेडियो कॉन्फ़िगरेशन का एक डिफरेंट डाटा रेट है। उसमें जो है 2 data rates डिफाइन किए गए, एक बेस रेट और एक पीक रेट। बेस रेट का मतलब ये है कि एक मिनिमम रेट कि जिस पे जो है एक रेडियो कॉन्फ़िगरेशन डाटा सेंड कर सकता है, और पीक रेट का मतलब ये है कि इस चैनल पे जो है मैक्सिमम कितना डाटा सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली डिफरेंट डाटा रेट्स या डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफाइन की गई। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिवर्स लिंक में जो 7 configurations डिफाइन की गई, जबकि फॉरवर्ड लिंक में जो 9 different configurations डिफाइन की गई। अब रिवर्स और फॉरवर्ड लिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन है दोनों को मैच होना ज़रूरी है। तो उस मैचिंग के लिए ये प्रिंसिपल जो है वो अडॉप्ट किया गया कि रिवर्स लिंक में जो आप कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं उसका जो बेस रेट है वो जो फॉरवर्ड लिंक में कॉन्फ़िगरेशन आप यूज़ करेंगे उससे मैच करना ज़रूरी है। तो रिवर्स और फॉरवर्ड का जिस बेस रेट पर मैच करते हैं वो हम दोनों कॉन्फ़िगरेशन जो फॉरवर्ड रिवर्स में हम उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें जो है CDMA 2000 में नए जो नेटवर्क एलिमेंट्स में कौन से ऐड किए गए, एक जो सबसे पहला जो नेटवर्क एलिमेंट ऐड किए गए बेस स्टेशन, और जो आपके मेन जो सर्विंग नोड है उसको हम कहते हैं पैकेट कंट्रोल फंक्शन। तो पैकेट कंट्रोल फंक्शन बेसिकली जो है वो यूज़र के जो डाटा ट्रैफिक के लिए जो है इसमें नया इसमें एलिमेंट जो इसमें ऐड किया गया।
तो पैकेट कंट्रोल फंक्शन बेसिकली एक रिले के तौर पे काम करता है, जो कि बेस स्टेशन से जो है वो एक जो दूसरा नया हमने एलिमेंट ऐड किया जिसके हम कहते हैं पैकेट डेटा सर्विंग नोड। तो पैकेट डेटा सर्विंग नोड और बेस स्टेशन के दरमियान में जो है वो हमने एक PCF ऐड किया। वो PCF बेसिकली बफरिंग और रिलेइंग जो है वो प्रोवाइड करता है फ्रॉम बेस स्टेशन टूवर्ड्स द पैकेट डाटा सर्विंग नोड। और पैकेट डाटा सर्विंग नोड ही वो नोड है जो कि आपको राउटिंग परफॉर्म करता है किसी दूसरे आउटसाइड पैकेट डाटा नेटवर्क पे। तो जब भी मोबाइल स्टेशन के पास जो डाटा ट्रैफिक होगी, पैकेट डाटा ट्रैफिक होगी, तो वो ट्रैफिक हमेशा जो है वो पैकेट डाटा सर्विंग नोड के जरिए किसी एक्सटर्नल नेटवर्क के जरिए हम उसको राउट करते हैं। तो बेसिकली जो है ये PDSN जो है आपका एक राउटिंग नोड है जो कि राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, या राउट डिस्कवरी जो है वो इसका फंक्शन है। और इसी तरह से जब आउटसाइड ट्रैफिक जो है फॉर अ पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस आती है तो उसको भी जो है PDSN जो है उस नोड की तरफ जो है स्विच करता है। तो इसके लिए जो है मोबाइल स्टेशन और PDSN के दरमियान में एक पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज करते हैं, एक सेशन क्रिएट करते हैं और फिर उस सेशन के ऊपर जो ये सारी ट्रैफिक जो है वो कैरी करती है। अब ये जो PDSN है इसको हम फॉरेन एजेंट भी कहते हैं, यानी कि इसके साथ फॉरेन एजेंट की फंक्शनैलिटीज भी इसके साथ एडिड है। फॉरेन एजेंट का मतलब ये है कि ये मोबिलिटी मैनेजमेंट में जो है वो इसको यूज करते हैं। ये मोबाइल IP के कॉन्सेप्ट के बेस पे जो है हम इसको जो है मोबिलिटी इसमें मैनेज करते हैं CDMA 2000 में, कि जो PDSN है वो एज अ फॉरेन एजेंट काम करता है। और जब भी मोबाइल स्टेशन जो है वो मोबाइल नोड जब अपने होम नेटवर्क से किसी भी दूसरे नेटवर्क मूव होता है तो ये जो PDSN है बेसिकली ये नए नोड को जो है अपने होम नेटवर्क पे बेसिकली रजिस्टर करता है। तो इस तरह से जो PDSN जो आपके जो फॉरेन एजेंट और जो होम नेटवर्क के दरमियान एक टनल क्रिएट करते हैं, उस टनल के जरिए ट्रैफिक सारी जो है वो कैरी करते हैं। तो ये इसके मोबिलिटी मैनेजमेंट का पार्ट है जो कि मोबाइल IP के बेस पे है। फिर इसके बाद इसमें डिफरेंट जो है हैंड ऑफ जो है वो एल्गोरिथम्स हैं या डिफरेंट लेवल्स पे हायरार्किकल हैंड ऑफ प्रोसीजर डिफाइन किए गए हैं। एक है इंट्रा PCF। इंट्रा PCF का मतलब ये है कि एक पैकेट कंट्रोल फंक्शन जो है मल्टीपल बेस स्टेशन से कनेक्टेड हो सकता है, और एक बेस स्टेशन जो कि मल्टीपल मोबाइल स्टेशन को सर्व कर रहा था। तो इस तरह से जब एक नोड जो है वो एक बेस स्टेशन दूसरे बेस स्टेशन में मूव होता है और वो दोनों बेस स्टेशन जो है वो एक ही PCF के से कंट्रोल हो रहे हैं तो इसको हम कहते हैं इंट्रा PCF हैंड ओवर। तो इंट्रा PCF हैंड ओवर को हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद इंटर PCF या इंट्रा PDSN, कि जब मोबाइल स्टेशन एक ऐसे बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन मूव होता है कि जिनके जो PCF जो है वो दोनों डिफरेंट है तो उसे हम कहते हैं इंटर PCF। तो इंटर PCF का प्रोसीजर हम जब डिस्कस किया। फिर इंटर PDSN को हमने हैंड ओवर डिफाइन किया, जब मोबाइल स्टेशन एक PDSN के सर्विस एरिया से दूसरे PDSN के सर्विस एरिया में मूव होता है तो उस केस में हम जो क्या स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। इन तमाम को जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। अब आज के लेक्चर में जो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने जो है वो तमाम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर अंटिल 24th लेक्चर जो है हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए हैं, उनमें सबसे पहले लेक्चर 1 जो है जो कि इंट्रोडक्शन था अबाउट वायरलेस सिस्टम, तो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के जो फंडामेंटल उसके जो डेफिनेशन हैं उनको हम डिस्क्राइब किया जो उसके लिए प्री रिक्विजिट थे वायरलेस नेटवर्क्स के लिए। उसमें सबसे पहले हमने कहा कि रेडियो वेव्स क्या होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सिग्नल्स पे कंसिस्ट होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ वर्टिकली जो है वो एंगल्स पे जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से जो रेडियो वेव्स के जरिए जो हम जो है वो ट्रांसमिशन करते हैं, तो हम कोई फिजिकल लिंक नहीं होता ट्रांसमीटर और सेंडर के दरमियान में, बल्कि जो एक वायरलेस लिंक जो कि रेडियो वेव्स की सूरत में हम प्रोवाइड करते हैं उस पर हम जो सेंड करते हैं। उसमें हमने फिर उसके बाद जो है वो कहा कि जब डाटा कैरी करता है तो डाटा किस फ्रिक्वेंसी पे कैरी करता है, उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करें कि बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ जिसमें कि डाटा जो है वो हम सेंड कर सकते हैं वो बैंडविड्थ को डिफाइन किया। और फिर एक डिफरेंट बैंडविड्थ हो सकते हैं डिफरेंट सिस्टम में, और फिर बैंडविड्थ की जो कैपेसिटी क्या हो सकती है या उसके हम चैनल की कैपेसिटी क्या, चैनल वो है कि जो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ जिसपे कि हम ट्रांसमिशन करते हैं, तो फिर उस चैनल की कैपेसिटी जो है वो बेसिकली बैंडविड्थ से कोरेस्पोंडेंट है। तो चैनल की कैपेसिटी के लिए हमने दो डिफरेंट जो है डेरिवेशन जो है वो उनको इंट्रोड्यूस किया। एक था शैनन फार्मूला जो कि कहते हैं कि डाटा रेट बेसिकली आपका इज प्रोपोर्शनल टू 2b इंटू लॉग बेस 2 इंटू एम, इसमें यानी कि आपके 2b का मतलब b आपके बैंडविड्थ है, लॉग 2 इंटू mm आपके नंबर ऑफ डिस्क्रीट लेवल है सिग्नल के, कि सिग्नल के एक जरूरी नहीं कि दो ही डिस्क्रीट लेवल में बल्कि उसमें मल्टीपल लेवल भी हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा लेवल्स होंगे तो लॉग बेस 2 इंटू नंबर ऑफ लेवल्स जो है बेसिकली ये उसके जो है डाटा रेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस तरह से बैंडविड्थ के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है।
इसी तरह से जो है वो दूसरा फार्मूला हमने नैकस्ट फार्मूला जो इंट्रोड्यूस करवाया है, अब नैकस्ट फार्मूला का ये है कि उसमें बैंडविड्थ इंटू लॉग बेस टू इंटू वन प्लस एस एन मतलब सिग्नल टू नॉइज रेशियो, जबकि प्रीवियस शेनन में जो है सिग्नल टू नॉइज रेशियो कंसिडर नहीं किया गया था, इसमें जो डिफरेंट नॉइज के जो पॉसिबिलिटीज है उनको कंसिडर करते हुए उसमें जो हमने नॉइज ऐड किया। अब ये नॉइज जो है नॉर्मली हम कहते हैं कि इसमें थर्मल नॉइज को ही बेसिकली उसमें कंसिडर किया गया, थर्मल नॉइज की वजह से जो उसमें सिग्नल में नॉइज इंट्रोड्यूस होता है उसको जो है वो हम कैसे, तो उसके लिए जो था बैंडविड्थ इंटू लॉग बेस टू इंटू वन प्लस एस एन आर की सिग्नल टू नॉइज रेशियो है और इसको डेसिबल फॉर्म में हम कंसिडर करते हैं, यानी कि 10 log base 10 इंटू सिग्नल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई नॉइज स्ट्रेंथ। तो इस रेशियो से जो हमने जो है उसकी चैनल की कैपेसिटी को जो है वो कंसिडर किया। फिर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन कौन से बैंड जो है वो किन किन सिस्टम्स के लिए यूज करते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट बैंड थे उसमें ISM बैंड थे। ISM बैंड मतलब मींस के जो इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल रिसर्च पर्पज के लिए ये बैंड इनको जो एम्प्टी छोड़ा गया, ताकि जो डिफरेंट फील्ड में जो रिसर्च होगी उसके लिए जो बैंड फ्रिक्वेंसी एलोकेशन चाहिए होगी वो इन स्लॉट्स में हम उनको यूज़ कर। तो उनमें बेसिकली 3 डिफरेंट जो है वो बैंड्स जो है उसमें थे, एक 900 मेगाहर्ट्ज की रेंज में था, फिर 2.4 में था, फिर 5 मेगाहर्ट्ज की रेंज में। तो इन तीनों डिफरेंट बैंड को जो है ISM बैंड के लिए फ्री रखा गया, तो उसके लिए किसी लाइसेंस जो है वो लेने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर इंट्रोडक्शन का जो सेकंड पार्ट जो कि लेक्चर 2 में हम डिस्कस किया, उसमें जो है वायरलेस ट्रांसमिशन, उसमें क्या कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होती है। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का मतलब ये कि वो फ्रिक्वेंसी जिस पे कि आप अपना सिग्नल जो सुपर इम्पोज करके सेंड करते हैं बेसिकली उसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, तो या इसको हम कैरियर फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और अगर तो आपका सिग्नल जो मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज पे डिपेंड करता कंसिस्ट करता हो और फिर जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज है वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के रेफरेंस से हम कंसिडर करते हैं, तो जो रेफरेंस फ्रिक्वेंसीज को हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो इस तरह से फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के बेस पे जो हमने कहा कि आप सिग्नल सुपर इम्पोज करके हम उसको सेंड करते हैं। और फिर ये जो फ्रिक्वेंसी जो आप सिलेक्ट करते हैं बेसिकली, अब इस जो ट्रांसमिशन के लिए हम एंटीना यूज़ करते हैं, अब एंटीना की जो है वो हाइट कितनी होनी चाहिए और वो जो हाइट है बेसिकली वो आपकी फ्रिक्वेंसी सिलेक्शन पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो उसके हम कहते हैं कि जितनी ज़्यादा जो सिग्नल की वेवलेंथ है, सिग्नल की जो वेवलेंथ है बेसिकली उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो एंटीना का साइज हम रखते हैं। अगर तो आपको सिग्नल जो है वो लो फ्रिक्वेंसी का हो तो फिर आपको एंटीना ज़्यादा हाइट पर लगाना पड़ेगा, इसलिए कि लो फ्रिक्वेंसी जो है वो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू टिल्ट डाउन द ग्राउंड, तो वो जो जल्दी से ग्राउंड से टिल्ट कर सकती है जिससे कि आपका सिग्नल जो है डिस्टेंस से जो है वो नहीं ट्रेवल करता, बल्कि जो उसमें डाउनवर्ड जब टिल्ट करेगी तो डिफरेंट ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक करने के बाद जो उसमें टेंशन जो इंट्रोड्यूस होगी और फिर टेंशन की वजह से जो आपका सिग्नल जो है वो ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं रह सकता। तो इस तरह हम कहते हैं कि जब लेट्स से 1 megahertz सिग्नल हो तो उसके लिए हम फ्यू 100 meters हाइट का एंटीना जो यूज़ करते हैं, जबकि अगर 1 gigahertz का सिग्नल हो उसके लिए फ्यू सेंटीमीटर हाइट का एंटीना जो सफिशिएंट होता है। फिर इनकोडिंग और मॉड्यूलेशन के डाटा अगर आप जो बिट्स की सूरत में जो सेंड करते हैं उनको बेसिकली सिग्नल किस्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हमें डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स देखें, उसमें था एम्पलीट्यूड इनकोडिंग किंग था, फिर फ्रिक्वेंसी इनकोडिंग थी, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट किंग था, फिर फेज शिफ्ट किंग था, तो डिफरेंट 3 हमने इनकोडिंग स्कीम जो चेक की। फिर मॉड्यूलेशन के आपको जो एक्चुअल डाटा है उसको जो कैरियर फ्रिक्वेंसी उसके ऊपर इंपोज करते हैं उसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, और मॉड्यूलेशन के भी 3 डिफरेंट टेक्निक्स देखें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। फिर इसके बाद सिग्नल पे जो डिफरेंट एक्सटर्नल नॉइजेस जो उसको इंटरफेयर करते हैं उन नॉइजेस को देखा है कि उसमें थर्मल नॉइज है, इंटरमॉड्यूलेशन नॉइज है, क्रॉस टॉक नॉइज है, इंपल्सिव नॉइज है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइजेस जो है वो सिग्नल को कैसे अफेक्ट करते हैं। सिग्नल में लॉसेज भी हो सकते हैं, लॉसेज इस तरह से जैसे सिग्नल ट्रैवल करते हैं उसमें टेंशन होती है, टेंशन की वजह से सिग्नल आपका स्ट्रेंथ जो उसकी कम होती जाती है, तो सिग्नल आपका वीक होने की वजह से ड्यू टू टेंशन जो सिग्नल वीक हो जाता है। और उस सूरत में अगर आपने जो सिग्नल को ज्यादा डिस्टेंस पर ट्रांसमिट करना है उसके लिए हम रिपीटर्स या एम्पलीफायर लगाते हैं जो कि सिग्नल की फर्दर एम्पलीफाई करते हैं या उसकी पावर उसमें गेन करते हैं, और फिर उसके बाद सिग्नल हम ज्यादा डिस्टेंस पे जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर लेक्चर 3 बेसिकली इसी इंट्रोडक्शन का ही कंटिन्यूशन था जिसमें हमने मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स देखी, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फिर उनके बेनिफिट्स, उनके ड्रॉबैक्स उनको डिस्कस किया। फिर ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो गाइडेड मीडिया जो कि वायर्ड मीडियम है, जबकि अनगाइडेड मीडिया जो कि आपके एयर इंटरफेयर है बेसिकली अनगाइडेड मीडिया है, इसलिए कि आपके जो रेडियो वेव्स होते हैं उसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन उस पर कंट्रोल नहीं होता,
तो वो जो डायरेक्शन ऑफ जो ट्रैवलिंग है बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी जो है वो इन्वायरमेंट क्या है। अगर आपके डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स आएंगे तो आपके सिग्नल का जो पाथ है बेसिकली वो डिफरेंट पाथ से होकर जो है वो आपके फाइनल जो रिसीवर तक पहुंचेगा। तो उसमें हमने मल्टी पाथ प्रोपगेशन देखी, उसमें रिफ्लेक्शन है, डिफ्रैक्शन है या स्कैटरिंग है, तो ये तीन जो मल्टी पाथ प्रोपगेशन फैक्टर्स हम डिस्कस किए। फिर प्रोपगेशन मोड्स क्या हो सकते हैं, उसमें ग्राउंड वेव्स है कि सिग्नल आपके जो है वो ग्राउंड वेव्स अलॉन्ग द कर्वेचर्स ऑफ द ग्राउंड जो है वो टूवर्ड्स द रिसीवर जो ट्रैवल करता है। फिर स्काई वेव प्रोपगेशन मोड था जिसमें सिग्नल जो है डायरेक्टली जो है आपको नहीं जाता बल्कि जो है वो हम जब टूवर्ड्स द स्काई ट्रांसमिट करते हैं, फिर वहाँ से आइनोस्फेयर वेव से जो स्ट्राइक करने के बाद इट बाउंसेस बैक टूवर्ड्स द ग्राउंड और फिर ग्राउंड से वापस स्ट्राइक होकर वापस आइनोस्फेयर लेके पास जाता है। तो इस तरह से विद द बाउंस एंड बैक इफेक्ट जो है वो सिग्नल जो फाइनली रिसीवर पे जो है वो पहुँचता है। फिर तीसरा जो उसमें प्रोपगेशन मोड लाइन ऑफ साइट है कि रिसीवर और ट्रांसमीटर के दरमियान जो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट जो एग्जिस्ट करता है, तो उसमें रेडियो वेव जो बेसिकली डायरेक्टली जो है दो एंड्स के दरमियान जो है वो ट्रैवल करती हैं। फिर सिग्नल में फेडिंग था कि सिग्नल आपके जो उसमें फेडिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेडिंग डिस्कस की कि सिग्नल की स्ट्रेंथ जो कम किस तरह से होती है, वो उसमें जो है वो एक फास्ट फेडिंग था, स्लो फेडिंग था, फ्रिक्वेंस सिलेक्टिव फेडिंग था। तो ये डिफरेंट फीडिंग जो है मैकेनिज्म हमने डिफरेंट फीडिंग फैक्टर जो हमने डिस्कस किए। फिर लेक्चर फोर बेसिकली आपके जो एरर कोडिंग पे उस पर हमने डिस्कशन स्टार्ट की, उसमें जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने कहा कि ट्रांसमिशन एरर्स जो है बेसिकली वायरलेस में उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए कि वायरलेस में आपका जो मीडियम है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो कोई भी एक्सटर्नल नॉइज़ आपके ट्रांसमिशन को जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हमें जो इसमें जो एरर कोडिंग टेक्निक्स से ज़्यादा प्रिसाइज ज़्यादा स्पेसिफिकेटेड एरर कोडिंग टेक्निक्स हमें चाहिए। तो उसमें जो हमने कुछ फंडामेंटल टेक्निक्स जिससे पेरिटी चेक था कि हम जो इवन ये ऑड पेरिटी बिट्स जो है वो डाटा के साथ एक सिंगल पेरिटी बिट ऐड कर लेते हैं, फिर उसकी जनरलाइजेशन फॉर्म थी कि 2D जनरलाइजेशन फॉर्म के उसके डाटा को जब वो रोज और कॉलम से डिवाइड करके फिर हर रो और हर कॉलम के साथ एक पेरिटी बिट ऐड कर ली इस तरह से। फिर उसके बाद एक साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो कि नॉर्मली आपके इंटरनेट में भी यूज होता है, इस टेक्निक को डिस्कस किया कि इसमें डाटा का जो है वो आप एक जनरेटर के जरिए जो उसको जो हम जो डिवाइड करते हैं, फिर उसके डिविंग में जो रिमाइंडर बचता है बेसिकली वो आपका एज अ कोडिंग जो है वो आप उसको डाटा के साथ सेंड करते हैं। तो इसको हमने एल्गोरिथम के डिटेल में डिस्कस किया, फिर कुछ एग्जांपल भी इसके लिए। फिर ब्लॉक एरर कोड्स को डिस्कस किया कि जब आप एक ब्लॉक ऑफ डाटा को जो है उसके साथ एक पर्टिकुलर जो नंबर ऑफ चेक बिट्स जो ऐड करते हैं, तो उसको उसमें जो हमने डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स डिस्कस की। अब उन टेक्निक्स में सबसे पहले हमने हैमिंग कोड को जो डिटेल में डिस्कस किया कि हैमिंग कोड हम कैसे जो है वो अचीव करते हैं, यानी कि डाटा अगर सेट ऑफ डाटा बिट्स हैं तो उनके ऊपर हम हैमिंग एल्गोरिथम अप्लाई करके जो है उसके जो चेक बिट्स डिटरमिन करते हैं वो कैसे करते हैं। अब हैमिंग कोड में हमने इससे पहले हमने कहा कि एक हैमिंग डिस्टेंस होता है। हैमिंग डिस्टेंस मतलब ये है कि दो कोड वर्ड्स हैं या दो स्ट्रिंग्स हैं, बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं, उनका जो नंबर ऑफ डिफरेंट जो बिट्स बनती हैं उनको हम हैमिंग डिस्टेंस कहते हैं। अब हैमिंग कोड में जो हैमिंग डिस्टेंस है बेसिकली 3 होता है। 3 का मतलब ये है कि इसमें जो हम एक बिट करेक्शन कर सकते हैं जबकि डबल बिट जो है इसमें डिटेक्शन हो सकती है। तो इस तरह से उसके बाद फिर उसकी BCH थी, उसकी जनरलाइजेशन फॉर्म थी हैमिंग कोड की, जिसमें कि हम जो है वो 3 नंबर ऑफ बिट्स को जो है करेक्ट भी कर सकते हैं जबकि हैमिंग में सिर्फ सिंगल बिट था। फिर जो तीसरा हमने रीड सलमन कोड्स देखे, उसमें बेसिकली वो जो है वो सब क्लास ऑफ नॉन बाइनरी BCH कोड्स हैं। तो उसमें जैसे कि हम बिट्स को कंसिडर करें, इसमें हम जो है नंबर ऑफ सिम्बल्स को कंसिडर करते हैं और एक सिम्बल में जो है मल्टीपल बिट्स होती हैं, तो उससे हर बिट्स के साथ जो है हर ग्रुप के साथ जो हम चेक बिट्स जो है वो उसको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो डेटा के ट्रांसमिशन जो वायरलेस मीडियम जो अनरिलायबल मीडियम है उसको रिलायबिलिटी अचीव करने के लिए जो है हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। एक AR रिक्वेस्ट, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जो इन कोड्स के जरिए एरर डिटेक्शन के बाद में करेक्ट भी कर सकें, और ये भी पॉसिबल है कि सिंपली आप उसको जो एरर डिटेक्ट कर सकें, करेक्शन पॉसिबल ना हो। तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि जो रिसीवर है बेसिकली वो एक रीट्रांसमिशन रिक्वेस्ट सेंड करता है सेंडर को, तो उसके लिए प्रोटोकॉल यूज़ करता है वो ARQ। और ARQ उसमें जो दो टेक्निक्स हमने डिस्कस की, एक था स्लाइडिंग विंडो और एक था गो बैक एन। स्लाइडिंग विंडो में ये है कि एक विंडो साइज मेंटेन करते हैं और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पैकेट्स जो कि ट्रांसमीटर सेंड कर सकता है वो जो है इक्वल टू नंबर द साइज ऑफ द विंडो होते हैं। और जब भी डाटा जो इकोनॉमी ट्रांसमीटर इकोनॉमी रिसीव करता है तो अपनी विंडो को जो है बेसिकली उसको आगे स्लाइड करता जाता है या आउटस्टैंडिंग पैकेट जो है फर्दर बढ़ाता जाता है।
तो इसी तरह से गो बैक एन में ये है कि जब आपका जो है किसी भी एक पर्टिकुलर पैकेट पे अगर आपका एरर आता है तो उस एरर को जो है वो रिट्रांसमिशन रिक्वेस्ट होती है, तो उस केस में ट्रांसमीटर जो है वो वापस गो के उसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पैकेट्स ऑलरेडी थे उसमें, लेकिन वो क्या करेगा कि जिस पैकेट रिट्रांसमिशन रिक्वेस्ट आई थी वहां से दोबारा रिट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा, या एन नंबर ऑफ पैकेट्स बेसिकली ये वो रोल बैक हो जाएगा। फिर इसके बाद सिक्स लेक्चर जो कि उसमें हमने जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक से स्टार्ट किया। अब चूंकि वायरलेस ट्रांसमिशन या वायरलेस मीडियम जो है जो कि एयर इंटरफेस है वो जो है वो मल्टीपल यूजर्स के दरमियान में शेयर, या उसको हम कहते हैं शेयर्ड मीडियम है, मल्टीपल यूजर्स को साइमल्टेनियसली जो है एक्सेस कर सकते हैं, तो इस चीज़ को एक्सेस को जो है वो साइमल्टेनियसली एक्सेस की वजह से बेसिकली उसमें जो कोलिजन के चांसेस होते हैं, या उस सूरत में क्या होगा कि कोई भी ट्रांसमीटर जो है सक्सेसफुली सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर सकेगा। तो इस तरह के कंडीशंस के लिए हम मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स जो है वो डिज़ाइन करते हैं ताकि जो मल्टीपल यूजर जो है वो साइमल्टेनियसली वो सिंगल मीडियम पे या शेयर्ड मीडियम पे ट्रांसमिशन कर सकें। तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, एक FDM में फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जिसमें कि जो टोटल बैंडविड्थ है उसको जो नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी स्लॉट्स में डिवाइड कर लेते हैं या फिर हर यूजर को डिफरेंट स्लॉट असाइन करते हैं। फिर इस तरह से टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस था, यूजर को फ्रिक्वेंसी की बजाय टाइम स्लॉट्स जो है वो एक चैनल को जो डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड करके हर यूजर को एक टाइम स्लॉट जो एलोकेट कर देते हैं। और फिर CDM में कोड विन मल्टीपल एक्सेस जिसमें कि यूजर को जो है डिफरेंट कोड्स असाइन करते हैं और यूजर जो उन कोड्स को यूज़ करते हुए सेम फ्रिक्वेंसी बैंड पे जो है वो ट्रांसमिशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है रैंडम एक्सेस मेथड को डिस्कस किया कि रैंडमली अगर यूजर जो है उसमें ट्रांसमिशन करते हैं तो उसमें जो डिफरेंट जो एल्गोरिथम थे उसमें एक था प्योर एलोहा एल्गोरिथम। प्योर एलोहा में ये है कि यूजर के बाद जब भी डर था वो इमीडिएटली ट्रांसमिशन स्टार्ट करता है। अब इसकी जो एंड टू एंड थ्रूपुट थी वो बहुत कम थी, अब ऑलमोस्ट 18% थी, जबकि उसका जो थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन था इम्प्रूव वर्जन था उसमें स्लॉटेड एलोहा था कि यूजर जो है वो इमीडिएटली ट्रांसमिशन नहीं स्टार्ट करते बल्कि जो टाइम को हमने स्लॉट्स में डिवाइन कर लिया और हमेशा कोई भी यूजर जब उसका डाटा आएगा तो जैसे कि फॉरेस्ट ट्रांसमिशन करे वो टाइम स्लॉट के स्टार्टिंग टाइम पे वेट करता है, फिर हमेशा टाइम स्लॉट के स्टार्ट में जो ट्रांसमिशन स्टार्ट होती है। अब इसमें भी थ्रूपुट जो है ऑलमोस्ट 36% हो गई, लेकिन स्टिल जो इट वॉज मच लेसर देन द रिक्वायर्ड थ्रूपुट। फिर उसके बाद रिजर्वेशन भी स्लॉटेड एलोहा था कि इसमें जो है वो एक रिजर्वेशन टाइम डिफाइन करते हैं और उसमें जो तमाम स्टेशन जो फ्यूचर स्लॉट्स जो उसमें रिजर्व करते हैं और फिर उस फ्यूचर स्लॉट्स में को जो है वो हमेशा अपनी टर्न्स पे ही यूज करते हैं, तो ये इसमें थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस जो हमने अचीव की। फिर लेक्चर 7 में जो है वो हमने ये मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स जो कि इसका सेकेंड पार्ट था उसमें हमने कहा कि अब रैंडम एक्सेस में एक और टेक्निक है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अब ये थोड़ा सा पोलाइट वर्जन ऑफ एलोहा बेस्ड प्रोटोकॉल है, पोलाइट इन द सेंस के जब भी नोड्स के पास डाटा होता है ट्रांसमिशन के लिए तो पहले कैरियर को सेंस करते हैं या मीडियम को सेंस करते हैं और अगर तो मीडियम पे ट्रांसमिशन हो रही होती है तो फिर अपनी ट्रांसमिशन जो है डेफर कर देते हैं एज लॉन्ग एज समवन इज ट्रांसमिटिंग ऑन द मीडियम। और इसमें जो हमने कहा कि इसके डिफरेंट वर्जन एक CSMA CA है, कोलिजन अवॉइडेंस है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस, और दूसरा कोलिजन कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन है। अब कोलिजन डिटेक्शन जो है वायरलेस में जो है पॉसिबल नहीं है जिसकी वजह से हम कोलिजन अवॉइडेंस जो है वो यूज़ करते हैं। फिर उसका जो हमने डिटेल में उसके कोलिजन अवॉइडेंस जो है एल्गोरिथम जो है वो डिस्कस किया कि कैसे जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स जो है वो उनको डिस्कस किया कि सिग्नल स्प्रेड स्पेक्ट्रम के एडवांटेजेस क्या हैं कि जब सिग्नल को हम नैरो बैंड से वाइड बैंड पे स्प्रेड करते हैं तो उस केस में स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक में जो बेसिकली इसकी एंटी जैमिंग या इसकी जो प्राइवेसी है बेसिकली वो इससे हम अचीव करते हैं। इसके जो दो डिफरेंट टेक्निक्स एक है फ्रिक्वेंसी होपिंग, दूसरा है डायरेक्ट सिग्नल। फ्रिक्वेंसी होपिंग ये कि इंटायर बैंडविड्थ को हम स्प्रेड नहीं करते बल्कि उसको डिफरेंट जो है वो फ्रिक्वेंसी में स्लॉट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर यूजर जो है रैंडमली उन फ्रिक्वेंसी स्लॉट्स पर ये ट्रांसमिशन करता है सिंगल यूजर। और जबकि दूसरा डायरेक्ट सीक्वेंस में कि हम यूजर को ऑर्थोगोनल कोर्स जो असाइन कर देते हैं फिर यूजर जो हमेशा अपने ही कोर्स को यूज करते हुए जब उन ट्रांसमिशन करता है और इन कोर्स की प्रॉपर्टीज ये होती है कि इनमें लो ऑटो कोरिलेशन और लो क्रॉस कोरिलेशन होता है। फिर लेक्चर 8 हमने स्टार्ट किया, लेक्चर 8 बेसिकली इसमें जो हमने एवोल्यूशन ऑफ सेलुलर सिस्टम जो है उनमें स्टार्ट किया या एवोल्यूशन ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स जो है उनमें स्टार्ट किया। उसमें जो है वो सबसे पहले हमने कहा कि जो फर्स्ट जनरेशन सेलुलर नेटवर्क्स हैं जिसमें कि NMTA नॉर्डिक मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन, AMPS एडवांस्ड मोबाइल फोन सिस्टम या टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि फर्स्ट जनरेशन में आते हैं ये बेसिकली एनालॉग सिस्टम थे। अब ये सेलुलर का हमने बेसिकली इसका एडवांटेज शुरू में डिस्कस किया कि इसका एडवांटेज क्या है,
پہلے جو سسٹم تھے وائرلیس سسٹم ان میں جو ہمیشہ سنگل ٹرانسمیٹر ہوتا تھا اور پھر لانگ رینج تک ٹرانسمیشن کرتا تھا. اب اس میں جو نمبر آف یوزرز کے جو اکوموڈیشن جو کیپیسٹی تھی وہ بہت کم تھی, تو اسی کی وجہ سے جو ہے اس کو جو ماڈیفائی کر کے سیلولر کنسیپٹ, سیلولر بیسڈ سسٹم جو ہے وہ بنایا گیا. تو اس میں جو سب سے پہلے جو سسٹم ڈیزائن کیے گئے وہ اینالاگ سسٹم تھے. اب اس کے بعد سیکنڈ جنریشن سسٹم جو ہے وہ سیلولر سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ ہوئے. اب پچھلے سسٹم کا ڈرا بیک یہ تھا کہ ان میں جو ڈیٹا ریٹ جو تھا, جو ڈیٹا ٹریفک جو ہے وہ ہم اس پہ سپورٹ نہیں کر سکتے تھے, یعنی سمپل جو ہے وائس جو ہے وہ کیری کر سکتے. اور دوسرا یہ تھا کہ ان کی جو کوالٹی تھی وہ کم تھی, اور نہ صرف کوالٹی بلکہ ان کے جو نمبر آف یوزر کی ان کی کیپیسٹی جو تھی وہ اسٹل جو ہے وہ کم تھی. تو اس ان تمام چیزوں کو انہانس کرنے کے لیے جو ہے وہ سیکنڈ سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے گئے. وہ بیسکلی ڈیجیٹل سسٹم تھے, ان میں جو ایک جی ایس ایم ہے, گلوبل سسٹم فار موبائل کمیونیکیشن ہے, پھر آئی ایس 136 ہے, یا ٹی ڈی ایم اے سسٹم ہے, یا پی ڈی سی سسٹم ہے, پیسیفک ڈیجیٹل سیلولر سسٹم, اور یہ پی ڈی سی بیسکلی جاپان میں یوز ہوتا ہے, پھر آئی ایس 95 جو کہ سی ڈی ایم اے بیسڈ سسٹم تھا. تو یہ ڈفرینٹ سسٹم جو ہے سیکنڈ جنریشن میں ایوالو ہوئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نائنتھ لیکچر میں ہم نے یہ جو ایولیوشن کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ ڈسکس کیا. اب اس کے یہ 2G سسٹم تھے, اب ان میں جو ڈیٹا ریٹ تھا وہ اسٹل اتنا کم تھا کہ جو ہے وہ ڈیٹا بیسڈ اپلیکیشن جو ہے وہ ان کو ہم ان کے اوپر رن نہیں کر سکتے تھے, یعنی کہ ان میں جو میکسیمم ریٹ تھا وہ 9.6 کلو بٹس پر سیکنڈ آلموسٹ اتنا جو ہے وہ اچیو کیا, اس لیے کہ وہ سسٹم بیسیکلی وائس کی بینڈ وڈتھ کی بیس پہ جو ہے وہ ڈیزائن کیے گئے تھے. تو اسی کی بیس پہ اس کے انکوڈر سے جو میکسیمم ڈیٹا ریٹ آپ کو اچیو ہو سکتا تھا وہی ڈیٹا ریٹ اس میں سپورٹڈ تھا. اب ان میں جو ڈیٹا ریٹ کو انکریز کرنے کے لیے 2.5 جنریشن جو ہے سسٹم انٹروڈیوس کرائے گئے. ان میں ہائی اسپیڈ سرکل سوئچ ڈیٹا سسٹم تھا, ایچ ایس سی ایس ٹی, پھر جی پی آر جنرل پیکٹ ریڈیو سروس تھا, پھر ایج سسٹم تھا, انہانس ڈیٹا ریٹ فار جی ایس ایم ایولیوشن, پھر آئی ایس 95 بی تھا. آئی ایس 95 بی بیسیکلی جو ہے وہ آئی ایس 95 یا سی ڈی ایم سسٹم کا جو 2.5 جی ایولیوشن تھی, جبکہ جی پی آر ایس جو ہے وہ جی ایس ایم کی ایولیوشن ہے ایس 2.5 جی, جبکہ ایج جو ہے جی پی آر ایس کی فردر ایولیوشن ہے. تو ایج کو نارملی 2.75 جی میں جو کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ 2.5 جی سسٹم تھا, ان میں جو ڈیٹا ریٹ جو ہے لٹل بٹ ہائر تھا دین دا ایگزسٹنگ 2G سسٹم. اب اسٹل یہ جو سسٹم تھے وہ ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ لیٹس سے ملٹی میڈیا اپلیکیشنز کے لیے جو ریکوائرڈ ڈیٹا ریٹ تھا وہ اس کو ان میں ہم اچیو نہیں کر سکتے تھے. اب اس کے لیے اس کے بعد جو تھرڈ جنریشن سسٹم جو وہ ایوالو ہوئے. اب تھرڈ جنریشن سسٹم جو ہے وہ زیادہ دیر ہونے کے ان کے جو ایولیوشن یا ان کے جو ڈپلائمنٹ تھی لیٹ ہونے کی وجہ سے جو ایج سسٹم جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہو گئے. تو ایج بیسیکلی جو ہے آپ کو کمپیریبل جو ڈیٹا ریٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اب 3G سسٹم جو ہے اس میں کوشش یہ کہ یونیورسٹی جو انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن ایسوسی ایشن اس نے یہ اٹمپٹ کیا کہ تمام سسٹم کا جو ہے ایک فائنل ایک ہی سسٹم کے طور پہ جو ہے وہ کنورٹ کر دیا جائے. تو اس میں جو ہے وہ لیکن اس میں اپنی کمپین وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو اسی لیے اس میں 3G سسٹم میں بیسیکلی دو ڈفرینٹ سسٹم جو ایوالو ہوئے, ایک وہ سسٹم جو کہ جی ایس ایم کے بیس پہ ایولیوشن تھی اور دوسرا جو کہ آئی ایس 95 سی ڈی ایم بیس کی جو ایولیوشن تھی. تو جی ایس ایم کی جو ایولیوشن تو یو ایم ٹی ایس یا وائڈ بینڈ سی ڈی ایم اے سسٹم ہے, جبکہ جو سی ڈی ایم اے بیس سسٹم ان کی جو ایولیوشن ہے فار 3G وہ سی ڈی ایم اے 2000 ہے. تو اب 3G سسٹم میں بیسیکلی ہم جو میکسیمم ڈیٹا ریٹ اچیو کر سکتے ہیں وہ اباؤٹ 2 Mbps پر سیکنڈ تک جو ہم ڈیٹا ریٹ اچیو کر سکتے ہیں. اب یہ جو وائڈ بینڈ سی ڈی ایم اے بیسیکلی یہ بھی سی ڈی ایم اے بیس سسٹم ہی ہے لائک سی ڈی ایم اے 2000, لیکن ان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں تھوڑی ڈفرینٹ ہیں. اب اس وجہ یہ 2.5 جی یا 3 سسٹم ان کے پرفارمنس کو کنسیڈر کریں یا ان کے ڈفرینٹ اسپیسیفکیشنس کو دیکھیں کہ ان میں کیا چینل بینڈ یوز ہوتی ہے اور ان پہ جو ڈفرینٹ آپ کو جو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت پڑی ایز کمپیئر ٹو دا پریویس سسٹم وہ کیا کرنی پڑی اور پھر کیا ڈیٹا ریٹ سپورٹڈ ہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ ایک ٹیبل کی صورت میں دیکھیں جس طرح کے سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایچ سی ایس ٹی بیسیکلی 200 کلو ہرٹس لائک جی ایس ایم جو ہے وہ اس پہ آپریٹ ہوتا ہے, جس کے میکسیمم ڈیٹا ریٹ آپ اچیو کر سکتے ہیں وہ 57.6 کلو بٹس پر سیکنڈ ہے, جبکہ جی پی آر ایس بھی 200 کلو ہرٹس میں چینل بینڈ وڈتھ میں آپریٹ ہوتا ہے, اس کا جو میکسیمم ڈیٹا ریٹ ہے 171.2 کلو بٹس پر سیکنڈ ہے, جبکہ ایچ سسٹم وہ بھی 200 کلو. اس لیے کہ تمام جو بیسیکلی جی ایس ایم کی جو ایولیوشن تھی. اب اس میں جو ڈیٹا ریٹ آپ میکسیمم اچیو کر سکتے ہیں وہ 144 کلو بٹس پر سیکنڈ ہے, جبکہ جی ایس ایم اگر ڈیوائس آپریٹ ہوگا تو 9.6 کلو بٹس پر سیکنڈ پہ ہی وہ اس میں آپریٹ ہوگا.
देखो वाइड बैंड सीडीएम सिस्टम जो कि तुम्हारे सिस्टम की 3G एवोल्यूशन थी, उसमें चैनल बैंडविड्थ जो 5 MHz है और उसमें जो डाटा रेट जो आपका 2 Mbps तक आप उसमें या इवन के मोर देन दैट आप उस पर रिसीव कर सकते हैं। IS-95 भी जो कि IS-95 की जो एवोल्यूशन थी एस 2.5 उसमें जो है चैनल बैंड 1.25 MHz और उसमें जो डाटा रेट आप अचीव कर सकते हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो 14.4 Kbps डाटा रेट आप अचीव होता है। जबकि सीडी में 2000 अब सिंगल कैरियर के केस में जिसमें अगर 1.25 MHz बैंडविड्थ है उसमें जो डाटा रेट है वो आपका अबाउट 144 Kbps है। लेकिन इस सीडी में 2000 मल्टी कैरियर वर्जन है, जब आप इसमें 3 carriers को यूज कर रहे हैं उस केस में आपको ये 2 Mbps डाटा रेट आप इस पर अचीव कर सकते हैं। अब इसके बाद जो 3G सिस्टम जो है वो स्टिल दे वर नॉट एबल टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डेटा रेट दोज आर रिक्वायर्ड फॉर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, तो उस केस के लिए जो उनकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए बेसिकली जो है 4th generation सिस्टम या बियॉन्ड 3G सिस्टम जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं। अब ये स्टिल सिस्टम जो अभी तक डिप्लॉयड नहीं है बल्कि दे आर इन द डिजाइन फेज और होपफुली दे विल बी डिप्लॉयड इन 2010। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि यूजर के जो हायर डाटा रेट प्रोवाइड किया जाए विद लेस कॉस्ट और उसकी कनेक्टिविटी जो है वो एनीवेयर एंड एनी टाइम, यानी कि यूजर जहां पे भी है किसी भी सिस्टम पे है तो वो जो है वो कनेक्ट हो सके और ज्यादा डाटा रेट जो है उस पर अचीव कर सके। तो उसमें हमने जो है वो उसके इश्यूज डिस्कस किए, 4G में क्या इश्यूज हैं, उसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस सपोर्ट जो थी उसको डिस्कस किया और फिर उसके बाद इसमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, इसमें सिक्योरिटी जो है वो कैसे इसलिए कि अब ये 4G सिस्टम बेसिकली जो है वो हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स हैं या इंटीग्रेशन ऑफ बेसिकली डिफरेंट नेटवर्क्स हैं जिसमें कि आपके जो सर्कस स्विच डाटा नेटवर्क्स हैं, सर्कस स्विच नेटवर्क्स और पैकेट बेस्ड डाटा नेटवर्क्स भी हैं, यानी कि वॉइस और डाटा को एक सिंगल नेटवर्क के तौर पर जो है वो कंबाइन किया गया। तो ये बेसिकली एज अ 4G सिस्टम के तौर पर इसको हम जो है वो कंसिडर करते हैं। तो इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस, सिक्योरिटी, मल्टीमीडिया सर्विसेज जो है उसमें इसके बाद उसकी एप्लीकेशन डिस्कस किए कि इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती हैं। अब ये जो थी इसके कन्वर्जेंस ऑफ सेलुलर सिस्टम और वायरलेस लैन या जो आईपी बेस्ड सिस्टम जो थे, आईपी नेटवर्क जो थे उनकी बेसिक कन्वर्जेंस थी। फिर उसके बाद उसमें बिलिंग इश्यूज जिससे कि अब वॉइस बेस्ड जो नेटवर्क हैं उनमें जो हम चार्जेस या बिलिंग हैं वो हम जो है वो विद टाइम के हिसाब से हम चार्जेस करते हैं कि लेट्स से पर मिनट या पर सेकंड चार्जेस हैं, जबकि जो डेटाबेस नेटवर्क्स हैं उनमें जो हम फ्लैट रेट यूज करते हैं कितनी बिट्स जो है वो यूजर ने ट्रांसफर किए हैं, तो पर साइज ऑफ डाटा के हिसाब से उस पर हम जो है वो चार्जेस करते हैं। अब 4G सिस्टम चूंकि अब दोनों सिस्टम जो हम कन्वर्ज हो रहे हैं टूवर्ड द सिंगल जनरेशन सिस्टम, सिंगल सिस्टम, तो उस केस में जो है हमें एक ऐसा बिलिंग मैकेनिज्म भी चाहिए जो कि दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो। तो उसमें जो है हमने कहा कि वायरलेस लैन है या वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स हैं या वाई मैक्स है या वायरलेस मैश नेटवर्क, बेसिकली तमाम को एक सिंगल सेलुलर सिस्टम के साथ जो है वो इंटीग्रेट किया जाए ताकि सभी सिस्टम के वॉइस भी हम कैरी कर सकें, डाटा ट्रैफिक भी कैरी कर सकें। अब क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए हमने ये कहा कि बेसिकली जो है वो ये एक नॉन ट्रिवियल टास्क है फॉर 4G सिस्टम, इसलिए कि आपके पास जो हेट्रोजीनियस नेटवर्क है हर नेटवर्क की अपनी कैपेसिटी है और हर एक का अपने जो डिफरेंट लोड्स हैं तो उनके ऊपर जो है क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना जो एक जो चैलेंजिंग टास्क था। फिर इसके बाद जो सिक्योरिटी भी सेम लाइक क्वालिटी ऑफ सर्विस, सिक्योरिटी भी एक अब डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स हैं तो उनके ऊपर एक ऐसा सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो कि सभी के लिए एप्लीकेबल हो, तो उस तरह को जो हम कहते हैं कि एक ऐसा लाइट वेट सिक्योरिटी मैकेनिज्म विद इनहाउस फीचर जो कि तमाम नेटवर्क्स के लिए एक्सेप्टेबल हो, तो सिक्योरिटी के लिए हमने उसको डिस्कस किया। फिर इसके बाद जो लेक्चर 11th हमने स्टार्ट किया, लेक्चर 11 में जो है अब एवोल्यूशन के बाद जो अब सेलुलर सिस्टम के जो फंडामेंटल्स हैं उनको हमने स्टार्ट किया कि अब सेलुलर सिस्टम जो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अब उसमें जो है वो फ्रिक्वेंसी यूजेबिलिटी कि आप फ्रिक्वेंसी को कितने मैक्सिमम जो रियूजेबल बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को जो है सिस्टम पे सपोर्ट किया जा सके, और फिर जो है वो अब अगर आप फ्रिक्वेंसी रियूजेबल बना रहे हैं इसका मतलब ये कि आप सेम फ्रिक्वेंसी जो डिफरेंट साइज में आप रियूज कर रहे हैं, तो इस तरह से डिफरेंट सेल यूज कर रहे हैं तो अब आपने एक और सेल को जो है सेम फ्रिक्वेंसी एलोकेट करनी है, तो इस तरह के सेल को लोकेट करने के लिए या को चैनल सेल को लोकेट करने के लिए क्या एल्गोरिथम है उसको हमने डिस्कस किया। अब फ्रिक्वेंसी यूजेबिलिटी के लिए हमने ये कहा कि बेसिकली आके जो आप नंबर ऑफ जो चैनल्स टोटल चैनल्स होते हैं आप उनको नंबर ऑफ सेल्स में जो डिवाइड कर लेते हैं, और लेट्स अगर आपके पास जो है वो एन नंबर ऑफ सेल्स हैं और आपका टोटल जो एस नंबर ऑफ चैनल्स हैं तो एस डिवाइडेड बाय एन जो है वो आपके नंबर ऑफ चैनल्स आ जाएंगे जो कि आप एक सेल को एलोकेट कर सकते हैं।
और इस और एक क्लस्टर जिसमें के डिफरेंट नंबर ऑफ सेल डिफरेंट नंबर ऑफ सेल के जिनमें जो है वो डिफरेंट चैनल्स होते हैं उन तो ऐसे तमाम सेल्स को हम एक क्लस्टर कहते हैं। तो एक क्लस्टर जो है बेसिकली तमाम सेल्स को जो है वो उसमें यूज़ करते हैं। और इस तरह के जो है अगर हम क्लस्टर को जितना रियूजबल बनाया जाए उसकी कितनी रेपिटेशन या रेप्लीकेशन करें उतनी फ्रिक्वेंसी रियूजबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह बेसिकली जो है वो आपकी रियूजबिलिटी जो है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेप्लीकेशन ऑफ द क्लस्टर्स। तो इसको हमने डिटेल में डेरिवेशन भी हमने देखा कि इसमें फार्मूला जो ड्राइव किया कि कैसे हम जो कैपेसिटी को कैसे जो हम इसमें ड्राइव कर सकते हैं उसको जो है डिफरेंट एग्जांपल के साथ हमने जो डिस्कस किया। फिर लेक्चर 12 जो था जो कि सेकंड पार्ट ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ सेलुलर कॉन्सेप्ट था उसमें जो हमने डिफरेंट चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज कि जब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि एक सेल को कितने चैनल्स आपने असाइन करने लेकिन कौन कौन से चैनल किस किस सेल को जो असाइन करने हैं उसके लिए जो हमने डिफरेंट जो है चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज उसमें एक था फिक्स चैनल असाइनमेंट दूसरा था डायनामिक चैनल असाइनमेंट। एक तो ये कि जितने भी चैनल हैं एक ही सेल को जो है फिक्स चैनल असाइन कर दें और चाहे उसके बाद सेल के बाद जितने भी यूजर्स हैं। तो जो जबकि दूसरा जो था वो डायनामिक था कि जब भी कोई चैनल रिक्वेस्ट आएगी तो बेस स्टेशन जो कि सेल को मैनेज करता है वो जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर से जो एक सेल रिक्वेस्ट चैनल रिक्वेस्ट करेगा और फिर वो चैनल डायनामिकली जो वो रिक्वेस्ट के बाद जो हम यूजर को जो असाइन करते हैं। तो अब जो फिक्स था वो बेसिकली इनएफिशिएंट था कि बास सेल्स आपके कंजेस्टेड होते हैं जबकि बास जो है आपके लेस पॉपुलेटेड होते हैं। तो उस चीज़ को जो फर्दर इन्हांस किया गया बोरिंग स्ट्रेटजी कि अगर एक सेल में जो कम चैनल यूज हो जबकि दूसरे में ज़्यादा हो रहे हैं तो जिसमें ज़्यादा डिमांड है वो जो है दूसरे कम डिमांड वाले सेल से चैनल बोरो कर सकता है डायनामिकली। तो ये उसकी वेरिएशन थी। फिर डायनामिकल का जो ड्रॉबैक ये था कि हर दफ़ा जब भी एक कॉल इनिशिएट होगी तो बेस स्टेशन जो है मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे जो चैनल रिक्वेस्ट करेगा इस तरह जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर उस पर बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको जो कॉल इस्टेब्लिशमेंट टाइम है वो बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद हैंड ऑफ स्ट्रेटजी जिसके कि जब एक यूजर जो एक सेल से दूसरे सेल में मूव होता है तो वो किस तरह से जो है वो हैंड ऑफ हम कैसे परफॉर्म करेंगे। अब फर्स्ट जनरेशन में तो ये था कि वो बेस स्टेशन बेस था कि बेस स्टेशन जो डिसाइड करता था कि यूजर ने किस सेल में जो है वो हैंड ओवर उसको करना है जबकि सेकेंड जनरेशन सिस्टम या ऑनवर्ड सिस्टम है वो मोबाइल स्टेशन असिस्टेड जो है वो हैंड ओवर है या MAHO जिसमें कि मोबाइल स्टेशन जो है वो खुद डिसाइड करता है कि उसने किस बेस स्टेशन के साथ जो है वो अटैच होना है। तो ये बेसिकली एफिशिएंट वे था एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम। इस तरह प्रायोरिटाइजिंग हैंड ऑफ अब हम ये कहते हैं कि हैंड ऑफ को जो है वो जब यूजर जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव होता है या हैंड ओवर के केस में जब चैनल एलोकेशन है उसको प्रायोरिटाइज कर लें एज कम्पेयर टू द न्यू कॉल रिक्वेस्ट। इसलिए कि ज़्यादा अनॉइंग होता है कि जब एक यूजर जब उसकी कॉल इन प्रोग्रेस है और फिर उसको जो कॉल ब्लॉक कर दी जाए एज कम्पेयर टू द न्यू यूजर उसकी कॉल को हम ब्लॉक कर लें। तो इस तरह से हमने डिफरेंट हैंड ऑफ प्रायोरिटाइजेशन मैकेनिज्म जिसमें उसमें था गार्ड चैनल कॉन्सेप्ट कि हम जो नंबर ऑफ कुछ मखसूस चैनल जो है वो हैंड ऑफ के लिए उनको जो एलोकेट रिजर्व कर लेते हैं और उनको सिर्फ हैंड ऑफ के लिए यूज़ करते हैं जबकि दूसरा था क्यूइंग हैंड ऑफ मैकेनिज्म कि जो भी हैंड ऑफ रिक्वेस्ट है उनको जैसे कॉल टर्मिनेट्स करें उनको जो है वो क्यू में मेंटेन करते हैं। जब भी कोई नया चैनल अवेलेबल होता है तो उस क्यू को जो क्यूड कॉल हैं उनको नए चैनल जो है उसमें एलोकेट कर दें। फिर इसके बाद जो है डिफरेंट जो प्रैक्टिकल हैंड ऑफ कंसंट्रेशन जिससे अम्ब्रेला सेल था सेल ड्रैगिंग है कि सेल जो है एक यूजर एक सेल से दूसरे सेल में मूव हो रहा है लेकिन उससे ट्रांसमिशन पावर कम नहीं हो रही कि उस जो दूसरे सेल में जो है वो हैंड ओवर कर सके। तो इसके जो है डिफरेंट हमने इश्यूज उसमें डिस्कस किए। फिर 13th लेक्चर जो कि थर्ड पार्ट ऑफ सेलर कॉन्सेप्ट था उसमें इंटरफेरेंस एंड सिस्टम कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया और इंटरफेरेंस और सिस्टम कैपेसिटी का आपस में क्या रिलेशन है। आप उसमें इंटरफेरेंस में हमने दो तरह के इंटरफेरेंस जैसे एक को चैन इंटरफेरेंस था और एक था एडजेसेंट चैन इंटरफेरेंस तो इनको जो है हमने डिस्कस किया। फिर चैनल प्लानिंग फॉर वायरलेस सिस्टम के चैनल की कैसे प्लानिंग की जाए कि उसकी रियूजबिलिटी के हवाले से। फिर 14th लेक्चर जो था उसका जो फोर्थ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल सेलुलर कॉन्सेप्ट था उसमें ट्रंकिंग एंड ग्रेड ऑफ सर्विस को जो हमने डिस्क्राइब किया कि कैसे जो है वो ट्रैफिक इंटेंसिटी मेजर करते हैं और यूजर की जो ब्लॉक कॉल प्रोबेबिलिटी को जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं यूजर की जो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉल ब्लॉकिंग है बाय यूजिंग एलंग चार्ट्स जो है वो हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। फिर कवरेज और कैपेसिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है बाय लुकिंग एट द इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ द यूजर्स उसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स जैसे सेल स्प्लिटिंग था सेक्टरिंग था फिर रिपीटर्स हमने यूज किए फॉर रेंज एक्सटेंशन जो बात करता है आपके टनल्स में या ऐसे एरियाज में जहाँ पे कि आपके डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं है तो उनके लिए हम रिपीटर यूज करके सेल की जो रेंज है उसको इंक्रीज कर देते हैं।
फिर माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किया कि अब इसमें जो है वो इंटरफेरेंस को कम करके जो हम सिस्टम कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, जबकि सेल स्प्लिटिंग में जो है वो सेल के रेडियस कम करके हम कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, जबकि माइक्रो सेल जोन में जो है हम सेल के रेडियस सेम रखते हैं लेकिन इंटरफेरेंस जो है वो कम करके हम कैपेसिटी को जब इंक्रीज कर सकते हैं। फिर लेक्चर 15 में जो हम AMPS सिस्टम जो कि लास्ट उनको डिस्कस किया, उसमें जो है AMPS का जो ओवरव्यू कि उसमें क्या कंपोनेंट्स उसमें होते हैं, उसका आर्किटेक्चर डिस्कस किया, या AMPS कॉल हैंडल कैसे करता है, उसका एयर इंटरफेस किया है, और फिर उसके सुपरवाइजर सिग्नल्स के डिफरेंट सिग्नल जो कि बेस स्टेशन और मोबाइल डिवाइस के दरमियान में ऐसी सिग्नलिंग चाहिए ताकि बेस स्टेशन जो है वो डिटर्मिन कर सके कि आगे एक यूजर जिसे कॉल इस्टेब्लिश्ड है आए कि उस कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर करते हैं कॉल उसकी इस्टेब्लिश है या नहीं है, तो या अगर उससे कॉल ड्रॉप हो गई है तो उसको चेक करने के लिए डिफरेंट सुपरवाइजर सिग्नल जो हम यूज़ करते हैं। फिर उसका जो एक्सटेंशन थी डिजिटल सिस्टम्स की NAMs थी जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सकी। फिर 16th लेक्चर जो कि GSM पे था, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जो कि सेकेंड जनरेशन का फर्स्ट जो डिजिटल सिस्टम था उसको हमने स्टार्ट किया, उसमें जो है उसके सिस्टम आर्किटेक्चर को जो डिस्कस किया, उसके नेटवर्क एरियाज के उसके जो होल कवरेज एरिया एक ऑपरेटर का जो कवरेज एरिया है उसको डिफरेंट रीजन में डिवाइड करते हैं, तो वो उसको जो है डिफरेंट एरियाज को हमने डिस्क्राइब किया, उसके स्पेसिफिकेशंस किए हैं, उसके डेटा रेट किया है, उसके चैनल बैंडविड्थ किया है, उसके कौन कौन से अपलिंक जो है उसका जो बैंडविड्थ था या फॉरवर्ड लिंक उसकी बैंड लिंक रिवर्स लिंक उसकी जो बैंड स्पेसिफाई की गई उसको हमने देखा। फिर उसका सब्सक्राइबर सर्विसेज के GSM सिस्टम जो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसमें टेलीफोनी सर्विसेज है या डाटा बेयर सर्विसेज है जो कि शॉर्ट SMS या फैक्स वगैरह के लिए ईमेल वगैरह के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उस मोबिलिटी मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया कि उसमें यूजर जब एक सेल से दूसरे सेल मूव होता है उसके लिए जो है वो क्या प्रोसीजर्स या क्या एल्गोरिथम जो उसके हम फॉलो करते हैं। फिर 17th लेक्चर में जो है हमने इसके जो एवोल्यूशन थी फॉर 2.5G GPR सिस्टम जो है वो उनको डिस्क्राइब किया, और उसमें जो है हमने कहा कि GPR सिस्टम बेसिकली अब GSM में डेटा स्टिल जो है वो लो था, उस डेटा से इन्हांस करने के लिए जो हमने उसमें कुछ अडोप्टिव मॉडुलेशन स्कीम जो है यूज़ की, अडोप्टिव कोडिंग स्कीम यूज़ की जिससे हम डेटा को इंक्रीज कर सकते थे, तो उसके GPR के आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब किया जिसमें हमने कहा कि अब GSM में एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर नोड होता है जबकि इसमें जो है डेटा ट्रैफिक के लिए हमने जो दो नए नोड इंट्रोड्यूस कराए जो कि आपके पैकेट डेटा नेटवर्क से जो है वो आपके ट्रैफिक जो है वो कैरी कर सकते हैं उसके लिए, तो उसमें जो एक था गेटवे सर्विंग नोड था GPRS गेटवे सर्विंग नोड और GPRS जो है वो SGSN था सर्विंग GPRS नोड था, तो ये दोनों नोड थे बेसिकली। अब जो SGSN नोड है बेसिकली वो आपके विद इन द नेटवर्क जो है वो आपके एक मोबाइल डिवाइस को जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जबकि GGSN जो है वो फॉर एक्सटर्नल डेटा नेटवर्क जो है उसके साथ जो है वो एज अ गेटवे के तौर पे हम उसको यूज़ करते हैं। अब फिर इसमें रजिस्ट्रेशन और सेशन मैनेजमेंट के, इसमें मोबाइल जो है वो कैसे रजिस्टर होता है, उसका सेशन कैसे मैनेज करते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि अब SGSN और GGSN के दरमियान में हम एक टनल क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए जो IP टनलिंग प्रोटोकॉल जो है बेसिकली हम यूज़ करते हैं, और राउटिंग सिनेरियोस इन GPRS के जब यूज़र एक सेल से सेल मूव होता है तो उस सूरत में हम राउटिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, और फिर उसकी चैनल क्लासिफिकेशन है। अब इसमें GPRS में जो हमने पर्टिकुलर चैनल जो है फॉर डाटा ट्रैफिक के लिए हम स्पेसिफाई किए, तो उनमें डेडिकेटेड डाटा चैनल था, डेडिकेटेड डाटा कंट्रोल चैनल था, पैकेट कंट्रोल चैनल था, तो उन चैनल्स को बेसिकली हम जो है डाटा ट्रैफिक के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हमने जो है फिर उसमें, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई डाटा ट्रैफिक होती है तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है PDP कॉन्टेक्स्ट जो है एक्टिवेट करते हैं। PDP कॉन्टेक्स्ट मतलब ये है कि यूज़र के पास जो डाटा ट्रैफिक है तो वो जो है वो GGSN से जो है उस पर्टिकुलर डाटा नेटवर्क से रिलेटेड जो है वो PDP एक्टिव, उससे जो प्रोटोकॉल रिलेटेड PDP कॉन्टेक्स्ट है जिसमें कि क्वालिटी ऑफ सर्विस इन्फॉर्मेशन है या टाइप ऑफ PDP है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो हम उसमें जो है वो नेगोशिएट करते हैं, फिर उनको जो है वो यूज़र जो है वो जब PDP कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेट होता है फिर उसके हिसाब से जो GGSN जो है उस नोड को जो है सर्व करता है, तो उसका हमने जो है वो एल्गोरिथम डिस्कस किया। फिर PDP इस कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेशन के बाद जो है अब हमने इसका जो सेकंड पार्ट जो 18th लेक्चर था जो कि GPRS का सेकंड पार्ट था उसमें हम GPRS के प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर कि GPRS में जो मोबाइल स्टेशन से BSS के दरमियान जो बेस स्टेशन सिस्टम है उसके दरमियान जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं उनको, और फिर बेस स्टेशन से SGSN के दरमियान जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं उनको, वो कौन कौन से प्रोटोकॉल है, फिर GGSN से PDN किसी भी दूसरे पैकेट डाटा नेटवर्क के दरमियान जो हम बेसिकली IP कोर नेटवर्क यूज करते हैं तो वो कौन कौन से प्रोटोकॉल है उनको हमने डिस्क्राइब, फिर GPRS का एयर इंटरफेस जो था
उसमें जो है वो उसका हम डिस्कस किया, इसकी डेटा राउटिंग एंड मोबिलिटी, अपलिंक डेटा ट्रांसफर के, जब अपलिंक डेटा ट्रांसफर में हम क्या मैसेजेस या कौन कौन से चैनल यूज करते हैं, फिर डाउनलिंक डेटा ट्रांसफर के लिए कौन कौन से चैनल यूज होते हैं, उनकी सीक्वेंस क्या है, और फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस इन GPRS की क्वालिटी ऑफ सर्विस हम कैसे इसमें अचीव कर सकते हैं, तो ये चीजें जो है वो हमने डिस्कस की। अब उसके बाद जो है वो लेक्चर 19 जो कि IS 95 पे था, IS 95 बेसिकली जो है वो CDMA बेस्ड सिस्टम है जो कि सेकंड जनरेशन सिस्टम है। अब इसमें जो है सबसे पहले हमने जो है वो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू IS 136 भी जो है वो प्रोवाइड किया कि TDMA सिस्टम जो कि जस्ट लाइक GSM सिस्टम है, लेकिन इसमें जो GSM सिस्टम में जो है वो एक चैनल पे हम 8 स्लॉट्स डिफाइन कर सकते हैं, जबकि IS 136 में जो है वो 6 टाइम स्लॉट डिफाइन करते हैं। और इसके अलावा इसका उसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो चैनल बैंडविड्थ वो 30 kHz होती है एज कम्पेयर टू 200 kHz इन GSM सिस्टम। अब इस तरह से जो IS 95 सिस्टम था बेसिकली जो कि CDMA सिस्टम्स हैं, अब उनमें जो है अब जो कोडिंग टेक्निक उसमें जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है बेसिकली वो CDMA यूज होती है। CDMA बेसिकली बेस्ड ऑन स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक, और इसमें जो है आपके जो यूजर के इसके एडवांटेजेस क्या हैं एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम जो कि GSM सिस्टम है, उनमें जो हाइब्रिड TDMA और FTMA यूज है जबकि इसमें CDMA यूज होती है। अब CDMA टेक्निक होने का एडवांटेज ये है कि इसमें जो है वो हायर कैपेसिटी जो है वो हम अचीव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द GSM सिस्टम, इसलिए एक ही फ्रिक्वेंसी जो है वो मल्टीपल यूजर जो साइमल्टेनियस यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट ऑर्थोगोनल कोड्स। और इसके अलावा जो है इसमें एक वॉइस क्वालिटी जो आपकी इसमें ज़्यादा बेहतर होती है इसमें, इसलिए कि ये जो है नॉइस के इसमें नॉइस के अगेंस्ट में ज़्यादा इम्यूनिटी है, और इसमें जो लेस पावर कंजम्पशन इसमें कि इसलिए कि इसमें फास्ट पावर कंट्रोल टाइप मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं जो कि कंटिन्यूसली जो है वॉइस स्टेशन के जो पावर को कंट्रोल करते रहते हैं। और एक इसमें प्राइवेसी है कि यूजर चूंकि हम डाटा जो है वो हम स्प्रेड करके सेंड करते हैं बाय यूजिंग सम रैंडम नंबर्स, तो इसलिए जो डाटा को डिकोड करना या उसको इंटरसेप्ट करना जो है वो यूजलेस होता है। और एक ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, अगर आप नंबर ऑफ यूजर सिस्टम में बढ़ते जाएंगे तो ये नहीं होगा कि सिस्टम जो है वो इमिडिएटली जो आपका जो है वो उसको सपोर्ट नहीं, मतलब उसके नंबर ऑफ यूजर को जो एक खास लिमिट से ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर दे, बल्कि ये सपोर्ट करता रहेगा लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ऐसा ऐसा डिग्रेड होती जाएगी। इसके ड्रॉबैक्स हैं, इसमें सेल्फ जैमिंग है कि सिग्नल अगर आप प्रॉपर जो ऑर्थोगोनल कोड यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें सेल्फ जो है जैमिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर आपके जो वो मल्टी पाथ की वजह से अगर आपके डिफरेंट सिग्नल जो है वो ज़्यादा डिले से जो है रिसीव हो रहे हैं तो उस केस में आप सेल्फ जैमिंग या नियर फॉर प्रॉब्लम है जो कि हमने डिटेल डिस्कस किया। फिर इसके बाद डिफरेंट IS 95 के फॉरवर्ड चैनल जो है जिसमें पायलट चैनल था, सिंक चैनल, पेजिंग चैनल, ट्रैफिक चैनल, उससे रिवर्स चैनल में, अब इसमें जो है 64 फॉरवर्ड चैनल है जबकि 94 जो है वो इसके जो है वो रिवर्स चैनल हैं। अब उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने डिटेल में डिस्कस की। अब लेक्चर 22 में हमने एज सिस्टम को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया। एज सिस्टम बेसिकली जो किया वो GPR सिस्टम की जो फर्दर एवोल्यूशन थी, और इनको हम एज 2.75G के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो जो टेक्निक यूज की गई इसमें जो है वो कहते हैं ऑक्टागोनल फेज शिफ्ट कीइंग को यूज किया गया, जिसमें कि एक सिग्नल एलिमेंट के जरिए जो एक सिंबल से हम 3 bits को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे आपको 3 times कैपेसिटी जो आपकी इंक्रीज हो गई। और इसमें जो लिंक अडॉप्टेशन और इंक्रीमेंटल रिडंडेंसी यूज की गई, जिससे कि जो है वो लिंक की डेटा रेट आप फर्दर जो है वो हाई रिसीव कर सकते हैं। फिर कैपेसिटी प्लानिंग इसमें जो है वो डिफरेंट थी, तो इस तरह से हम एच सिस्टम को हमने डिटेल में डिस्कस किया। और फिर हमने जो है वो लेक्चर 21 में जो है हम UMTS सिस्टम या वाइड बैंड CDMA सिस्टम को जो है वो स्टार्ट किया। अब वाइड बैंड CDMA सिस्टम जो बेसिकली किया थे कि अब एक जो कंपेन जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन स्टार्ट की कि एक तमाम सिस्टम सिंगल सिस्टम में कन्वर्ज हो जाए, अब उनमें जो GSM सिस्टम की जो एवोल्यूशन थी वो वाइड बैंड CDMA सिस्टम थी, और वाइड बैंड सिस्टम को जो एज UMTS सिस्टम के तौर पर जो एक्सेप्ट किया गया, यानी कि यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड के तौर पर वाइड बैंड CDMA सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया। अब इसमें जो है वो डिफरेंट सर्विस क्लासेस जो है बाय इन ऑर्डर टू सपोर्ट डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर जो है वो इसमें जो है वो डिफरेंट क्लासेस में डिफाइन किया गया। इसमें जो क्लासेस कन्वर्सेशनल क्लास है जो कि रियल टाइम क्लास है, स्ट्रीमिंग क्लास जो कि वो भी रियल टाइम क्लास है लेकिन हायर डेटा रेट डिमांड्स, जबकि इंटरेक्टिव क्लास जो है वो नॉन रियल टाइम क्लास है लेकिन इसमें जो रीजनेबल डिले जो है वो टॉलरेट हो सकता है, और बैकग्राउंड क्लास जो है उसमें ऐसा कोई डिले की रिक्वायरमेंट्स नहीं है बल्कि जो है और ना इसमें ऐसा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट्स है। तो ये डिफरेंट क्लासेस जो है वो डिफाइन की गई ताकि एप्लीकेशन जो है वो इनमें से कोई भी क्लास में फिट उसमें अप्रोप्रिएटनेस को चेक करके उसमें जो है उसके पैरामीटर्स को जो है वो यूज़ कर सकती है। फिर इसमें जो इसकी आर्किटेक्चर का हम डिस्कस किया, उसमें एक अहम चेंज थी वो रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर था।
रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर जो एज ए बेस स्टेशन सिस्टम के तौर पे हमने उसको यूज किया, और उसमें जो बेस स्टेशन थे उनको एस नोड बी के तौर पे कंसीडर करते हैं, और आरएनसी के जो रोल्स डिस्कस किए उनमें एक सर्विंग नोड है, एक ड्रिफ्टिंग नोड है। सर्विंग मीन के एक आरएनसी जो है वो नोड बीस को सर्व कर रहा है, जबकि ड्रिफ्टिंग जो कि अपने रिसोर्स लैंड करता है टू अनदर आरएनसी। तो इस तरह से हमने डिफरेंट रोल्स को डिस्कस किया। फिर इसका जो रेडियो इंटरफेस प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर को जो है वो हमने डिस्कस किया, इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल है, लेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेयर जिसमें फिजिकल लेयर है, फिर सेकंड लेयर पे जो आपके मैक लेयर और रेडियो लिंक कंट्रोल लेयर आरएलसी लेयर है। आरएलसी लेयर बेसिकली आपको रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है, और डिफरेंट फंक्शन हमने इसके डिस्कस किए, और इसी तरह से इसके प्रोटोकॉल मॉडल डिस्कस किया। इसमें हमने कहा कि एक यूजर प्लेन है, एक ट्रांसपोर्ट प्लेन है। तो यूजर प्लेन बेसिकली डेटा ट्रैफिक के लिए हम उसके रिलेटेड सिग्नलिंग जो है उसमें परफॉर्म करते हैं, जबकि एक जो ट्रांसपोर्ट प्लेन है उसमें जो सिस्टम रिलेटेड सिग्नल जो है उसमें हम परफॉर्म, तो उसके डिफरेंट जो है वो फंक्शन या उसके डिफरेंट जो सिग्नलिंग मैसेजेस को हमने डिस्कस किया। फिर इसके लॉजिकल चैनल जैसे चैनल्स कौन कौन से चैनल हैं उनका हमने फर्दर डिस्क्राइब किया। फिर जो है वो प्रोटोकॉल आर्क मॉडल में हमने जो है वो एक कंट्रोल प्लेन एक यूजर प्लेन, कंट्रोल प्लेन बेसिकली जिसको हम एप्लीकेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं, तो वो बेसिकली आपके जो सिस्टम में जो ओवरऑल सिग्नलिंग है उसको हम यूज करते हैं। तो इसके जो चैनल्स हैं उनको हमने तीन तरह से, एक लॉजिकल चैनल्स, फिर ट्रांसपोर्ट चैनल, फिर फिजिकल चैनल में डिवाइड किया। लॉजिकल चैनल का मतलब ये है कि वो चैनल जो जिन वो डिफाइन करते हैं कि हमने किस तरह का डाटा सेंड करना है, जबकि ट्रांसपोर्ट चैनल जो है वो डाटा के किस किन करेक्टरिस्टिक्स के साथ और किस तरह से सेंड करना है, ये किन फिजिकल चैनल पे सेंड करना है, जबकि फिजिकल चैनल आगे फिजिकल चैनल की करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिफाइन करते हैं। फिर बस 22nd लेक्चर में जो है वो वाइड बैंड सिग्नल सिस्टम के फर्दर डिटेल जो है वो हम डिस्कस किए, जो कि उसका वाइड बैंड सिग्नल का पार्ट टू लेक्चर है, उसमें जो स्प्रेडिंग या स्क्रैबलिंग को डिस्कस किया है कि उनकी क्या जरूरत है। फिर चैनल कॉन्सेप्ट में जिस तरह से बताया कि लॉजिकल चैनल टुवर्ड्स ट्रांसपोर्ट चैनल, फ्रॉम ट्रांसपोर्ट चैनल टुवर्ड्स फिजिकल चैनल्स, उनकी मैपिंग है उनको हमने डिस्कस किया। और फिर उसके बाद फिजिकल प्रोसीजर्स हमने डिस्क्राइब किए, जिसमें कि रैंडम एक्सेस चैनल के जब एक यूजर जो है कॉल इनिशिएट करता है तो क्या किस तरह से जो है वो परफॉर्म करता है, कि उसमें 16 सिंबल का एक प्रीएम्बल सेंड करते हैं, और फिर उसके अगेंस्ट जो है यूजर जो है वो एक एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है ऑन एक्विजिशन चैनल। फिर सेल सर्चिंग प्रोसीजर हम डिस्कस किया है कि जब एक नया जब एक नोड जो है पावर ऑन होता है तो सेल कैसे सर्च होता है, उसमें जो है हमने स्लॉट सिंक्रोनाइजेशन, फिर फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, फिर स्क्रैम्बलिंग कोड डिटरमिन करना, ये हम डिस्कस किया। फिर इसमें पावर कंट्रोल डिस्क्राइब किया कि पावर कंट्रोल में फास्ट पावर कंट्रोल यूज करते हैं या फास्ट क्लोज लूप पावर कंट्रोल या ओपन लूप जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो इन दो डिफरेंट जो है पावर कंट्रोल मैकेनिज्म को हम डिस्कस किया। फिर 23rd लेक्चर जो कि पार्ट 3 था वाइड बैंड सिग्नल सिस्टम का, उसमें हमने कहा कि बाद में कंप्रेशन की जरूरत पड़ती है, कंप्रेशन की जब आपको डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज का आपने मेजर करना है तो उसको डिस्कस किया। फिर हैंड ओवर मेजरमेंट्स इंट्रा मोड, इंटर मोड या इंटर सिस्टम हैंड ओवर है। वाइड बैंड सिग्नल में पैकेट डाटा एक्सेस को हम डिस्कस किया कि कौन से चैनल हम यूज करते हैं पैकेट डाटा के लिए, कॉमन है, डेडिकेटेड चैनल, शेयर चैनल है। फिर पैकेट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं जिसमें टाइम डिवीजन शेड्यूलिंग है, कोड डिवीजन शेड्यूलिंग है, ट्रांसमिशन पावर बेस्ड शेड्यूलिंग है, तो इनको हम डिस्कस किया। फिर 24th लेक्चर जो कि CDMA 2000 सिस्टम था, उसमें जो है हम डिस्कस किया कि न्यू फिजिकल लेयर फीचर्स किया है जो कि IS-95 में एग्जिस्ट नहीं करते थे। फिर फिजिकल लेयर में किया हमने चेंजेस की इन CDMA 2000 के जो आपके हायर डेटा रेट जो है उस पर अचीव कर लें। फिर इसके जो हमने रिवर्स फिजिकल चैनल्स के जो है वो फंक्शन डिस्क्राइब किया, और इस तरह से नए नेटवर्क एलिमेंट्स जो कि CDMA 2000 के आर्किटेक्चर में हमने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें पैकेट कंट्रोल फंक्शन था, पैकेट डेटा सर्विंग नोड था जो कि एज, और इसमें मोबिलिटी के लिए हमने कहा कि मोबाइल आईपी को यूज करते हैं, तो मोबाइल आईपी का हमने शॉर्ट सर जो है ओवरव्यू दिया, इसको डिटेल में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और फिर डिफरेंट हेड ऑफ मैकेनिज्म जो थे जिसमें इंट्रा पीसीएफ था, इंटर पीसीएफ था या इंट्रा पीडीएसएन था या इंटर पीडीएसएन था, तो इन तमाम हेड ऑफ एल्गोरिथम्स को हमने जो है वो डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है वो पैकेट डाटा नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे, उसमें सबसे पहले जो है वायरलेस लैन या IEEE 802.11 स्टैंडर्ड को जो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।